हेलो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं कुबोटा M5501 ये ट्रैक्टर लेके आए हैं कुबोटा का, तो इसी के बारे में बताएंगे, फुल डिटेल देंगे आपको। देख सकते हैं डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में है इसका, चेसिस पे इंजन मिल जाएगा जो कि ये इसमें खाली खाली एनमार में आता है, बाकी कुबोटा में बाकी कोई भी कंपनी आपको अपना चेसिस पे इंजन नहीं देती है। और आपको यहाँ पे देख सकते हैं डुबल क्लच के साथ में है, सेंक्रो स्टेप्ट है, OIV ब्रेक है और पावर स्टीयरिंग है, मतलब कि ऑयल में डूबे हुए ब्रेक और पावर स्टीयरिंग है। और फ्रंट टायर 750/16 के हैं और रियर टायर 1628 के हैं। और हम अगर पीछे से बात कर लेते हैं तो 1800 से 2100 kg लिफ्ट कैपेसिटी दी हुई है। और आपको ये 540 और 540 रिवर्स P2 मिल जाते हैं, या आप लेना चाहते हैं तो 540-750 मिल जाएंगे आपको RPM। और थ्री सेंसिंग के साथ में है, पीछे आपको सेंटर में रिफ्लेक्टर मिल जाएगा और फाइबर का टूल बॉक्स नंबर प्लेट के लिए, बाकी यहाँ पे आप लाइट वगैरह मिल जाएंगी। और पीछे से कुछ यही रहा, और इसमें पीछे आपको गेयर बॉक्स में ऑयल डालने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं कितना हैवी दिया हुआ है, और साइड से आपको चैन मिल जाएगी। और जैसे कि देख सकते हैं इस साइड आपको रिम उल्टी मिलेगी, इससे रियर एक्सल थोड़ा छोटा हो जाता है, और कुछ इस तरह का है। बाकी साइलेंसर देख सकते हैं अंदर ही बनाया गया है, और इस साइड से देखें तो आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा। और हम इंजन की बात कर लें तो 55 HP का इंजन दिया हुआ है 2300 रेटेड RPM पे, 2434 CC, और बैकअप टार 27% इसमें दिया हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि कुबोटा मेड इन बाई जापान, डिज़ाइन बाई कुबोटा इन जापान है, रिवर्स PTO के साथ में है, यहाँ पे लिंक बैजिंग मिल जाएगा और फोर वाल्व सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे इसका भी बैजिंग मिल जाएगा। ECDIS इंजन इसमें दिया हुआ है जो कि इसमें कुबोटा 5502 में आ रहा है, और इसकी टैंक कैपेसिटी 60 लीटर दी गई है। और ट्रैक्टर का कुल वजन बात करें तो 2200 kg टोटल वजन दिया हुआ है, और ग्राउंड क्लियरेंस 415 mm दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी ये फिल्टर मिल जाएंगे, डीजल फिल्टर, और सामने से कुछ इस तरह का है। इंजन के अंदर से बात करें तो अंदर से दिखाते हैं, तो जैसे इसे देखे हैं तो इसमें सॉकर द्वारा सो खुलता है इसका, और इसमें फायर प्रूफ वायरिंग की गई है, बाकी ड्राई फिल्टर के साथ में है। और एक साइड की काफ़ी छोटी बैटरी है, जो कि कंपनी ये कहती है कि इसका अगर आपको चालू करना हो तो मोटरसाइकिल की बैटरी से भी चालू हो जाता है। बाकी आपको सेफ्टी जाली के लिए यहाँ पे आपको सामने सेफ्टी जाली दी गई है, जैसे कि गर्दा रेडी वाटर पे कम से कम रहे। और ये इनलाइन बम्प है इसमें 4 सिलेंडर का, 2434 CC, 65 लीटर टैंक कैपेसिटी, फाइबर का टैंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये कूलेंट के लिए है, बाकी इस साइड आपको साइलेंसर के लिए यहाँ मिल जाएगा, और 40 एम्पीयर का अल्टरनेटर इसमें दिया गया है। और बाकी ये देख सकते हैं इसका साइलेंसर से जैसे कि आवाज़, और इसमें इंजन में बैलेंसर शाफ्ट होता है, और इसका इंजन देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, काफ़ी छोटा भी इंजन है लेकिन बढ़िया है, उसका सेल्फ देखें तो काफ़ी छोटा है। और चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर आपको इंडिकेटर इस टाइप के मिल जाएंगे, ऊपर से देखें तो कुछ इस तरह का व्यू है। यहाँ बैठने के बाद आपको 1, 2, 3, 4 नंबर और रिवर्स गियर मिल जाएंगे, और आपको ये हैंड एक्सीलेटर बाकी डिजिटल मीटर के साथ में फुल्ली 2300 RPM पे, 65 लीटर टैंक कैपेसिटी के साथ में। और यहाँ पर देखें लाइट की स्विच कुछ इस तरह की मिल जाएगी, सस्पेंडेड पैडल के साथ में है, OIV ब्रेक मतलब ऑयल में ब्रेक मिल जाएंगे, और इंडिपेंडेंट क्लच PTO के साथ में यहाँ पर देख सकते हैं, और हाई लो रिवर्स इस साइड मिल जाएंगे 8+4 के गियर बॉक्स में, 4 नंबर इधर, बाकी पट्टी उठाने के यहाँ लीवर मिल जाएंगे। बाकी देखें तो यार काफ़ी बढ़िया है, और देखें तो कुछ इस तरह का है, यहाँ टी मिल जाएगा आपको जिससे कि तेल को आप बांध सकते हैं। बाकी देखें तो यार काफ़ी बढ़िया है। बाकी दोस्तों की अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।